नो सुपर इन्वेस्टर्स, इस गिरते हुए मार्केट में हमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है। आज भी मार्केट में ज़बरदस्त फॉल हुआ था, और जो भी मार्केट अभी न्यूज़ बेस्ड हो गया है, इसमें कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे हैं। कोई न्यूज़ आती है उसके कारण मार्केट ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। आप जानते हो कि जो न्यूज़ आई है अमेरिकन मार्केट से, अलग अलग टाइप की यूरोपियन मार्केट से, उसके कारण मार्केट गिर रहा है। तो अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिसके कारण हो सकता है कल मार्केट को थोड़ा सा, इंडियन मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आज एक नया डेटा रिलीज़ किया गया है जिसके अंदर इन्फ्लेशन के रेट दिए गए हैं। तो मई के जो रेट इन्फ्लेशन का रेट आया है, डेटा आया है, तो अर्बन एरिया का जो है वो जो इन्फ्लेशन था अप्रैल में वो था 7.79%। उसके कंपैरिजन में मई का जो इन्फ्लेशन है वो घटकर आया है, वो आया है 7.08%। और जहाँ पे रूरल एरिया का बात है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरे भारत का, उसका इन्फ्लेशन था अप्रैल में 8.38%, वो घटकर आया है 7.01%। तो दोनों भी जो महंगाई है वो घटकर आई है, अर्बन की और रूरल की। अगर हम लोग एवरेज आउट करें तो इसका अगर इफ़ेक्ट देखा जाए, अप्रैल में टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन था 7.79%, वो घटकर आया है 7.01% ओवरऑल अर्बन और रूरल को मिला के। तो इन्फ्लेशन जो घटा है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ एफर्ट्स दे रही है, पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर या एडिबल ऑयल के दाम घटाकर, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू अप्रैल, जो महंगाई के दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, CPI रेट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो घटकर आया है, यह पॉजिटिव बात है। तो हो सकता है इसके कारण मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिले कल। बट ये भी बात में साथ में ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसके कारण को टेंशन ख़त्म हो गया मार्केट का, क्योंकि इसके कारण रिजर्व बैंक के जो रेट बढ़ने वाले, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ते ही रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन्फ्लेशन रेट थोड़ा घटकर आ गया तो रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, हाइक का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा कल रिलीफ मिल सकता है मार्केट को इस न्यूज़ के कारण। बट अब देखना यह है कि USA मार्केट में आज क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तो ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। हो सकता है उसके बावजूद भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले। बड़े पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए, देखते हैं कल मार्केट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है इस पॉजिटिव न्यूज़ के कारण। हो सकता है थोड़ा रिकवर हो जाए, बट ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसके कारण रिजर्व बैंक की थम जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके कारण इस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ेगा। अगर आज USA मार्केट में और भी फॉल देखने को मिला तो इंडियन मार्केट में भी कल फॉल देखने को मिल सकता है। देखते हैं रात तक क्या होता है, USA मार्केट से क्या खबर आती है। बट इंडियन मार्केट से ये न्यूज़ आई है पॉजिटिव, इसका हो सकता है कल हमें सपोर्ट देखने को मिले इंडियन मार्केट में, और थोड़ा प्राइस हमें जो निफ्टी सेंसेक्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। देखते हैं अभी यूरोप मार्केट USA मार्केट से टोटल क्या खबर आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।